हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्ट मैकेनिकल। इस वीडियो में हम डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड सरफेसेस की एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम देखिए गिवन किस तरीके से है। ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ ए सिलेंडर, एक सिलेंडर की डेवलपमेंट आपको करनी है, ठीक है। हैविंग बेस डायमीटर 40 mm, जिसके बेस और टॉप दोनों ही सर्कल रहेंगे, तो सर्कल का डायमीटर गिवन है 40 mm, राइट। और हाइट है आपकी 60 mm, यानी 40 mm डायमीटर और 60 mm उसकी हाइट है, राइट। इट इज कट बाय ए कटिंग प्लेन, एक कटिंग प्लेन है, उसने इसको काट दिया है बेस से 15 mm की दूरी पे। देखिए 15 mm की दूरी बेस से कुछ इस तरीके से गिवन है, राइट कॉर्नर से। लेफ्ट कॉर्नर से तो टॉप में है, लेकिन राइट कॉर्नर से 15 mm की दूरी पे। तो ये जो आपको लाइट लाइन दिखाई दे रही है ना, ये लाइट लाइन क्या है, आपकी काटने के बाद अलग कर दी है। जो डार्क पोर्शन है वो हमारे पास अभी है, तो चाहें तो आप यहीं से शुरू कर सकते हैं। जैसे आपका गिवन है, इसका टॉप व्यू बना लीजिएगा 40 mm डायमीटर का, और इसके साथ में ही आप डेवलपमेंट कर दीजिएगा। लेकिन मैंने अगले पेज पे बना दिया है, तो देखिए कुछ इस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कीजिएगा, इस तरीके से रेफरेंस लाइन आपने ड्रॉ करनी है। उसके बाद इसी के नीचे टॉप व्यू, क्योंकि बेस की ट्रू शेप कहाँ दिखेगी आपको, टॉप व्यू में। तो आप एक सर्कल बनाएंगे 40 mm डायमीटर का, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस सर्कल के आप 8 इक्वल पार्ट करेंगे, 8 बराबर बराबर हिस्से करेंगे, कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले डायमेंशनिंग कर दीजिए 540। उसके बाद 8 बराबर हिस्से कैसे करेंगे, पहली हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि सेंटर से पास होगी यहाँ से, दूसरी वर्टिकल लाइन वो भी सेंटर से पास होगी, तो 4 हिस्से तो आपके हो जाएंगे बड़े इजीली। उसके बाद बचे हुए ये जो 4 भाग बचे हैं, इनके भी हमें 2 भाग करने हैं। अभी तक आप समझ गए होंगे ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये कितने का होने वाला है, 45 डिग्री का। और इस लाइन को थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर दीजिएगा, तो ये आपके डिवाइड हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। देखिए 45 डिग्री इंटरवल पे हैं ये सब, ये भी 45 डिग्री है, अगला भी, और सिमिलरली आपके 45-45 डिग्री इंटरवल पे ये 8 बराबर हिस्सों में हमने इस सर्कल को बांट लिया। अब देखिए इसका नाम रख दीजिए 1 से लेकर 8 तक, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये आपका टॉप व्यू रेडी हो गया। अभी आपको क्या करना होगा, हर एक पॉइंट से 1, 2, 3, 4 और 5 सभी से क्या करना है, प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ लेके जाने हैं। प्रोजेक्शन लाइन आप लेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये चारों लाइनें, पांचों लाइनें आपकी इस प्रकार से आ जाएंगी, और इस लाइन को, रेफरेंस लाइन को ये काटेंगी 5 बिंदुओं पे। उनको भी नाम देंगे हम, लेकिन अभी क्या लेंगे हम, पहले वर्टिकल हाइट लेंगे जो कि 60 mm गिवन थी हमारी, इस तरीके से था, और यहाँ से हमारा 15 mm की दूरी पे इस तरीके से काटा हुआ था मेरा सिलेंडर। तो उसको हम बना लेंगे जैसा भी गिवन है, 60 mm हाइट लेनी है आपने स्केल और पेंसिल की मदद से, और 15 mm की दूरी राइट साइड से ले लेनी है। लेकिन ये मैंने पहले क्या कर दिया है, जनरेटर लाइन, अंदर की लाइनें जो होती हैं जनरेटर्स, जो 2, 3 और 4 से आएंगी, इनको ड्रॉ कर दिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। अब कटिंग प्लेन वाली लाइन 15 mm की दूरी पे, बेस से 15 mm की दूरी पे यहाँ एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट को नीचे ज्वाइन कर दीजिएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ज्वाइन कर दीजिए। अब आप चाहें तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको इरेज भी कर सकते हैं, नहीं तो बहुत हल्का रखिएगा लाइट पेंसिल से, 2H पेंसिल से, ठीक है। उसके बाद देखिए कटिंग प्लेन ने कहाँ कहाँ मेरे सिलेंडर को काटा है, वहाँ वहाँ मुझे नेमिंग करनी होगी। देखिए पहला बिंदु ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये रहा, चौथा ये, और पांचवां ये। सभी बिंदुओं को आप नाम देंगे कुछ इस तरीके से, ए बी सी डी और ई, 5 बिंदु ये आ गए आपके। उसके बाद जहाँ ये मेरे वर्टिकल मैंने प्रोजेक्शन दी थी, यहाँ का भी मैंने बताया था आपको नेमिंग करनी जरूरी है, और इन प्रॉब्लम्स के अंदर नेमिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके क्वेश्चन को गलत होने से बचाएगी। तो नेमिंग बड़ी केयरफुली कीजिएगा आप सभी। देखिए 1' हो गया, क्योंकि 1 के ऊपर 1' है, तो जाहिर सी बात है ये 8 और 2 एक ही लाइन में है बेटा, 8 और 2 एक ही लाइन में है। तो यहाँ पे जो नेमिंग करेंगे, पहले आप 8 लिखेंगे, फिर आप 2' लिखेंगे, 8' और 2' कुछ इस प्रकार से, फिर 7' और 3', फिर 6' और 4', और फिर 5'। इस तरीके से नेमिंग हो गई हमारी। अब हमें क्या करना है, इसकी डेवलपमेंट करनी है। अब इसको ओपन करने के बाद ये कैसा दिखेगा, वो अब हमें ड्रॉ करना है। बड़े ध्यान से करेंगे तो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसा हमने डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर जो कि नॉर्मली थी मेरी विदाउट कटिंग प्लेन, उसमें भी बताया था। तो लेंथ ऑफ जो लाइन रहेगी ना, वो रहेगी मेरी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी पाई इंटू डी,
पाई इंटू 40 करेंगे तो कितनी लेंथ आएगी, उतनी लेंथ की आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरीके से। ये मैं बताऊंगा कितनी लेंथ आएगी, आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपकी भी उतनी ही आएगी जितनी मेरी आएगी, ठीक है ना। अब आप क्या कीजिएगा, वर्टिकल इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना लीजिएगा, ठीक है। ये रेक्टेंगल आपने बना ली है, हाइट 60 है और ये लेंथ कितनी है, पाई इंटू डी, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी आपकी, पाई इंटू डी ये आएगी आपकी 125.6 mm। अब 125.6 mm लाइन के हमें क्या करने हैं, 8 बराबर हिस्से करने हैं। जैसे हमने यहाँ 8 बराबर हिस्से किए थे, यहाँ पे भी हम 8 बराबर बराबर हिस्से करेंगे। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में आपने खूब सीखा है और स्केल्स के अंदर भी मैंने प्रॉब्लम्स में आपको बताया था कि कैसे करना है। तो देखिए, किसी भी एंगल पे कितनी भी लंबी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे आप कुछ इस प्रकार से। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, ये लाइन कितने भी एंगल पे, ज़्यादा बड़ा एंगल भी मत लीजिएगा नहीं तो पूरी शीट आपकी यही कवर कर लेगा। एक्यूट एंगल लीजिएगा यानी 90 डिग्री से कम, 30, 60, 50 कितना भी ले सकते हैं विदाउट मेजरमेंट। उसके बाद क्या करिएगा, यहाँ कंपास स्पिंडल रखिएगा जहाँ ये मेरे माउस का कर्सर है, यहाँ प्रकार रख के और जितना आपको सही लगे सूटेबल लेंथ पे उतना प्रकार को खोल लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, जो आपको सही लगे। और पहली आर्क आप ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद पहले आर्क ने जहाँ काटा यहाँ सेंटर में प्रकार रखेंगे और प्रकार को उतना ही खोल के रखेंगे जितना आपने पहले खोला था, ठीक है ना। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, लेकिन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में यहाँ तक तो आप सीख ही चुके हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए है। तो यहाँ प्रकार के नॉब को रखेंगे और उतना ही कंपास खोल के रखेंगे और सिमिलरली आप 8 आर्क लगाएंगे, 8, क्योंकि आपको 8 बराबर हिस्से करने हैं कुछ इस तरीके से। ये एक्स्ट्रा लाइन बची है, इसको चाहे आप इरेज भी कर दें। अब इनकी नेमिंग कर लीजिएगा 1 to 8 कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। अब इस 8 पॉइंट को, इस 8 नंबर पॉइंट को मिलाएंगे आप यहाँ से, ड्राफ्टर को रोटेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ड्राफ्टर को रोटेट करेंगे और 8 पॉइंट को इस एंड पॉइंट से कुछ इस तरीके से मिला देंगे। ड्राफ्टर के नट को कर दीजिएगा टाइट, जैसा कि आपने स्केल्स में भी किया था, प्लेन और डायमंड दोनों में। अब सभी लाइनें आपकी पैरेलल जाएंगी, 7 से भी और 6, 4, 5, 3, 2, 1 एंड तक कुछ इस तरीके से सभी लाइनें पैरेलल होंगी, ध्यान रखिएगा। तभी ये मेरी 125.6 की लाइन जो है ये क्या रहेगी, बराबर बराबर 8 हिस्सों में बटेगी। ये सभी आपके इक्वल पार्ट आ गए हैं। अब हर एक पॉइंट कहीं ना कहीं काटेगा, वहां से आप परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दीजिएगा कुछ इस प्रकार, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपने इसको ड्रॉ कर लिया। यहाँ तक आप पहले भी कर चुके हैं, ये कटिंग प्लेन नहीं था, यहाँ तक आपने पहले किया है डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कैसे करना होगा, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको ये ए बी सी डी ई 5 बिंदु हैं, पांचों बिंदुओं से क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ नाम देना चाहूंगा, जहां जहां इस लाइन ने काटा था ग्रीन लाइन ने, वहां मैं नेम देना चाहूंगा 1 to 8, ठीक है। 1 to 8 आप नेम दे दीजिएगा और अंत में 1 ही आएगा, क्योंकि सिलेंडर जब आपके डेवलपमेंट को कंप्लीट करोगे पूरा, ये एक एनक्लोज हो जाएगी फिगर सॉलिड आपकी, तो 1 से 1 ज्वाइन होगा आपका। इस बात को मैंने बताया था बहुत अच्छे से डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर में, वो वीडियो भी देखिएगा, प्लेलिस्ट में है। देखिए, अब आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहली हॉरिजॉन्टल लाइन जो आएगी आपकी ए से आएगी, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा, क्योंकि दोनों ही क्या है, 1 और 1। अब यहाँ देखिए फ्रंट व्यू में 1' के ऊपर क्या है, ए है। सिमिलरली 1 के ऊपर ए आएगा और इधर वाले 1 के ऊपर भी ए आएगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपको पता ही है, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा। बात करेंगे अब बिंदु बी। अब बी वाला जो पॉइंट है, ये देखिए 8' और 2' इस वर्टिकल लाइन पे पड़ता है, 8 और 2। यानी बी से जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करेंगे ना, वो 2 पॉइंट को भी काटेगी और आपके 8 पॉइंट को भी काटेगी कुछ इस प्रकार से। दो बिंदु मिलेंगे आपको, एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा, कुछ इस तरीके से दोनों बिंदुओं को मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सी कहाँ पड़ता है, 7 और 3 के ऊपर। सिमिलरली 3 और 7 के ऊपर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सटेंड करोगे तो यहाँ तक ही करनी है, उससे ज़्यादा मत कीजिएगा, चाहे तो कर सकते हैं लेकिन अननेसेसरी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो सी से जो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी वो 3 पे और 7 पे कट करेगी, कुछ इस प्रकार से दो बिंदु और मिल जाएंगे। अब डी को देखिए, 6' और 4' के ऊपर पड़ता है, तो ये 4 रहा, ये 6 रहा। आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से ये कट करेगी, ये रेड लाइन, ये 4 पे भी कट की और 6 पे भी कट करवाएंगे इसको आप, 2 पॉइंट आपको और मिल जाएंगे। बचा आपका पॉइंट ई। ई से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिएगा, ई से जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो तो 5 के ऊपर पड़ती ही है, तो ऑटोमेटिकली ये आपका पॉइंट 5 आ जाएगा, ये लास्ट बिंदु होंगे,
अब आप क्या कीजिएगा, स्मूथ कर्व ड्रॉ करनी है आपको, इन सभी बिंदुओं को मिलाना है आपको, लेकिन पेंसिल की मदद ना लीजिएगा, फ्री हैंड पेंसिल उठाइए, एच पेंसिल, और इसको एक स्मूथ कर्व से ऐसे ज्वाइन कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो आपको डार्क पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये डार्क पोर्शन ही आपका डार्क रहेगा, इसके अलावा ऊपर वाला हिस्सा आपका लाइट हो जाएगा। तो इनको नाम दे दीजिएगा, चाहे नाम पहले भी दे सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, दो बार ए, दो बार बी, दो बार सी, दो बार डी और दो बार, ठीक है। कहीं कई किताबों में क्या लिखा होगा, बी के पीछे वाले उसको भी लेगा जनरेटर को, तो यहाँ बी है तो उधर वो उसको दूसरा नाम देता है, वो भी ठीक है। हमने सिर्फ फ्रंट वाले पॉइंट, आगे वाले पॉइंट को भी बी दिया है और पीछे वाले पॉइंट को भी बी दिया है, क्योंकि सिलेंडर जब काटेगा तो दो जनरेटर होंगे, एक फ्रंट वाला एक पीछे वाला, हमने दोनों को ही बी नाम दिया है बुक के अंदर, किसी बुक के अंदर इसको बी, इसको सी भी दे सकता है, ये सी डी बोलेगा, इसको ई बोलेगा, तो नेमिंग से ज़्यादा वो नहीं होगा, नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट ऐसी ही होगी। जब आप इसको क्लोज कर देंगे तो ये कुछ ऐसी ही दिखेगी जैसे आपकी प्रीवियस फिगर में थी गिवन प्रॉब्लम में। अब ये ऊपर का हिस्सा मैं यहाँ पे इरेज करना भूल गया, इसको थोड़ा लाइट रखिएगा। कौन से हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं, ये हिस्सा, ये लाइन और ये लाइन, कहाँ तक, ई तक, ई से लेके और ए, ये वाली लाइन जो है ये और ये आप लाइट रखिएगा, बिल्कुल लाइट, क्योंकि ये हिस्सा हमने काट के अलग कर दिया है, नीचे वाला खाली आपके पास बचा है, ये पूरा ठीक है, इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छे लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।